हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोर्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, तुम्हारा जो इंडियन आर्मी रैली एवं आरपीएफ एवं कोलकाता पुलिस एवं टेरिटोरियल आर्मी रैली जो प्रस्तुति निच्छे वीडियो शेष पर्यंत देखते पड़ो। वीडियोर माध्यम तुम्हारे ये सब पोस्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन कब चालू है से तुम्हारे देव क्यों ना तुम्हारा प्रचुर परिमाणे कमेंट कर तुम्हारा अनेक दिन थे अपेक्षा करे तई तुम्हारे जो एक वीडियोर माध्यम चार्ट अपडेट दिए दीची। वीडियो खूब गुरुत्वपूर्ण होते चले आसन्न अर्थात अपकामिंग 10 पास वैकेंसी एखे तुम्हारा सिंपली 10 पास योग्यता थे क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करते एक्सट्रा को क्वालिफिकेशन प्रयोजन नहीं। ओके, तो सब किस देव तुम्हारे वैकेंसीगुलो कौन आसते चले। एवं फ्रेंड्स, तुम्हारे एकटाई रिक्वेस्ट, तुम्हारा जो चैनल प्रथम बार हो अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर दे क्यों एरक लेटेस्ट अपडेट हमें प्रथम सब तुम्हारे दिए थी एकत्रे वीडियो क्यों तुम्हारे अपडेट देना शुधुमात्र फोर्स एकेडमी छाड़ा। ओके, तो चलो सबकिछ तुम्हारे डिटेल्स दीची तुम्हारे ऑनलाइन एप्लीकेशन कब चालू हो मिनिमम तुम्हारे एक आइडिया दीची और फिक्स डेट क्यों तुम्हारे बीना। ओके, तो चलो सबकिछ तुम्हारे शेयर कर दीची। तो फ्रेंड्स, प्रथम तुम्हारे दीची कोलकाता पुलिस न्यू वैकेंसी। तुम्हारा जानो जो कोलकाता पुलिस कॉन्स्टेबल जो न्यू वैकेंसी से 2500 थाकबे तुम्हारे वैकेंसी मेल और फीमेल मिलिए। तो एक क्षेत्र में तुम्हारा अप्लाई करते पड़े मेल और फीमेल वैकेंसी तुम्हारे कॉन्स्टेबल पदे किन्तु बेरोबे एसआई और सार्जेंट पदे किन्तु बेरिएछे। ये कोलकाता पुलिस किन्तु तुम्हारे वेस्ट बेंगल रिक्रुटमेंट बोर्ड के दिए देवा हुए छे। से क्षेत्र में वेस्ट बेंगल पुलिस बोर्ड किन्तु एखन खूब व्यस्ततार मध्य रही है यही हम तुम्हारे कोलकाता पुलिस वैकेंसी किन्तु बार करते पारछे ना किन्तु तुम्हारे पूजोर आगे और बार होच्छे ना सेहेतु तुम्हारे ये वैकेंसी कोलकाता पुलिस जरा अपेक्षा रही पूजोर पर तुम्हारा किन्तु 100% अप्लाई करते पारबे और तुम्हारा अनलाइने जो नोटिफिकेशन से अपलोड कर देवा होबे। कोलकाता पुलिस जो वैकेंसी न्यू वैकेंसी से किन्तु तुम्हारे पूजोर पर कन्फार्म पूजोर पर तुम्हारा किन्तु अनलाइने अप्लाई करते पारबे अर्थात मिनिमम अक्टोबर लास्ट उइक नवेम्बर फर्स्ट उइक धरे रखो। ओके, सेकेंड आमी तुम्हारे बोले दीची आरपीएफ न्यू वैकेंसी कब बार होबे। तो आरपीएफ वैकेंसी किन्तु तुम्हारे अनेक दिन आगे बार हबार कथा छिलो। तुम्हारे वैकेंसी मोटामोटी 9000 प्लस किन्तु तुम्हारे वैकेंसी थाकबे मेल फीमेल दो उभय किन्तु अप्लाई करते पारबे। ए वैकेंसी तुम्हारे फेब्रुआरी मासे किन्तु बार हबार कथा छिलो रेलवे बोर्ड के तरफ थेके किन्तु नोटिफिकेशन पर्यन्त पब्लिश करा हयेछिलो किन्तु किछु कारणवशत ए वैकेंसी किन्तु बंद कर देवा हयेछे अर्थात तुम्हारे 2021 मध्य किन्तु वैकेंसी तुम्हारा पे जाबे मिनिमाम तुम्हारा डिसेम्बरे किन्तु देखते पे जाबे ए वैकेंसी आरपीएफ। तुम्हारा वीडियो देखो एक्सट्रा को वीडियो देखते हो ना अर्थात आरपीएफ को अपडेट नहीं तबुओ हमें तुम्हारे अपडेट दीची जेहेतु ये वैकेंसी अनेक दिन के बार हबार कथा छो अनेक दिन के बार हब हब कर किंतु बार है तुम्हारे ये वैकेंसी मिनिमम डिसेम्बर लास्ट वीकर दिखे बार होते पारे। ओके, एरपर वेस्ट बेंगल आर्मी रैली अर्थात वेस्ट बेंगल आर्मी रैली बोलते कोलकाता बैरकपुर बहरमपुर और शिलीगुड़ी आर्मी रैली। एक क्षेत्र में बैरकपुर आर्मी रैली तुम्हारे नवेम्बर मासे किन्तु शुरू होच्छे बैरकपुर आर्मी रैली एवं कोलकाता बहरमपुर और शिलीगुड़ी आर्मी रैली तुम्हारे 2021 साले किन्तु चांस खूब कम विशेषकर बहरमपुर आर्मी रैली 2021 साले चांस रही है बाकी कोलकाता और शिलीगुड़ी आर्मी रैली किन्तु तुम्हारे 2022 साले किन्तु बार हबार चांस रही है 2021 साले किन्तु बार होबे ना शुधुमात्र बहरमपुर आर्मी रैली किन्तु 2021 साले बार हबार कथा रही है। ओके, तो तुम्हारा जो प्रस्तुति निच अवश्य प्रस्तुति छाड़बे ना तुम्हारे वैकेंसी खूब शीघ्र ही बेरिए जाए बैरकपुर आर्मी रैली किन्तु तुम्हारे नवेम्बर मास थेके शुरू होच्छे एटा कन्फार्म एवं तुम्हारा एडमिट कार्ड किन्तु 10-12 दिन आगे किन्तु तुम्हारा पे जाए। ओके, एबार फ्रेंड्स तुम्हारे अपडेट दिच्छी वेस्ट बेंगल टीए आर्मी रैली अर्थात टीए आर्मी रैली जो अनेक दिन थेके अनेके प्रस्तुति निच्छे तो आमी तुम्हारे सठिक खबर बोले दिच्छी टीए आर्मी रैली जे तुम्हारे दार्जिलिंग हबार कथा छिलो दार्जिलिंग। ओके, सेटी किन्तु अक्टोबर मासे किन्तु हबार कथा छिलो तो तुम्हारे ये रैली किन्तु पुरोपुरी भावे कैंसल हो गेछे अर्थात ये रैली किन्तु तुम्हारे होच्छे ना एटा एकदम फेक न्यूज जानी ना क्यों कीभावे रटाच्छे। तो टीए आर्मी रैली जे अक्टोबर मासे हबार कथा छिलो सेटी किन्तु हबे ना तुम्हारे टीए आर्मी रैलिर एखन कोनो खबर नहीं
ওকে, কেননা তোমাদের যে জেনারেল র্যালিগুলো রয়েছে সেই র্যালিগুলো ডাইরেক্ট র্যালিগুলো কিন্তু এখন হচ্ছে না আর্মি র্যালিগুলো। তো টি আর্মি র্যালি কীভাবে হতে পারে? ওকে, তো টি আর্মি র্যালির এখন পর্যন্ত কোনো খবর নাই, অফিসিয়ালি যখনই আমরা আপডেট পাবো অবশ্যই তোমাদের কাছে নিয়ে আসবো। তো এখন জেনারেল র্যালিগুলো পুরোপুরিভাবে বন্ধ রয়েছে, ডাইরেক্ট র্যালিগুলো সেগুলো ওপেন হওয়ার পরে কিন্তু টি আর্মির খবর পেয়ে যাবে। এখন টি আর্মির কোনো আপডেট নেই এবং তোমাদের দার্জিলিংয়ে যে র্যালি হওয়ার কথা ছিল সেটি কিন্তু পুরোপুরিভাবে ক্যান্সেল, এখন কোনো টি আর্মি র্যালি খবর নেই। তো ফ্রেন্ডস, এগুলো ছিল তোমাদের পুরোপুরি আপডেট। আমি একত্রে তোমাদেরকে একটি ভিডিওর মাধ্যমে বলে দিলাম, কেননা প্রচুর পরিমাণে তোমরা কমেন্ট করছিলে, তো আমি ভাবলাম যে একটি ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদেরকে সব কিছু ডিটেলসে শেয়ার করে দিই। তো এটাই ছিল ফ্রেন্ডস তোমাদের কাছে আপডেট। আই হোপ ভিডিওটা তোমাদের জন্য অনেকটাই হেল্পফুল হয়েছে। যদি হেল্পফুল মনে করো অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে। ধন্যবাদ।